दिल मेरा थोड़ा सा हिल सा गया है ये सुन के। खैर पहले आपको बता दें कि परसों मदर्स डे है, जिसकी मैंने और अब्दुल्ला ने सुबह भी बात की। परसों मदर्स डे मनाया जाएगा और ये दिन उस अजीम हस्ती के नाम है जो हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम मुकद्दस और खूबसूरत रिश्ता होता है। शायद कम लोग हैं जो माँ की मौजूदगी में उस अजीम नेमत की कदर करें, विच इज़ वेरी ट्रू सैडली, और अहमियत को समझते भी नहीं हैं जब माँ होती है। लेकिन माँ का मकाम क्या है, ये कोई उन लोगों से पूछे जिन्हें ये साया मुयसर नहीं। और मुशी खान ऐसे ही एक शख्स है जो हमारे दरमियान आज मौजूद हैं, जिनका ये गाना भी आपने सुना है, मुस्तजाब वैसे तो इनका असल नाम है, लेकिन मुशी ये सभी इन्हें बुलाते हैं तो हम भी इन्हें मुशी बुलाएंगे। मुशी अमेरिका में रहते हैं और कई साल से वहीं मकीम थे, 18 बरस इन्होंने हमें बताया। और इनकी वालदा का जब इंतकाल हुआ कुछ ही अर्से पहले हुआ है, तब भी ये अमरीका में ही थे, और उसके बाद फिर क्या सिलसिला रहा, ये गाना कैसे तख्लीक हुआ, ये मुशी से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुशी, कैसे हैं? क्या हाल है आपका? बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ट्रिब्यूट, बहुत ही ज़बरदस्त खराज तहसीन आपने अपनी वालदा को दिया। किस तरह, मतलब क्या इसके पीछे कहानी क्या है, जल्दी से अगर आप जो वीडियो में भी कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन आप समझ आ रही है, लेकिन आप ये सारी माओं के लिए है और सारे उन बेटों के लिए जो मुल्क से बाहर हैं। और एक्चुअली इसका जो मेन मकसद था, जो आपने आखिरी मेरा वो देखा कि कब्र पे मैं आता हूँ उस वक्त माँ से रोते वक्त मेरा पासपोर्ट नीचे गिर जाता है, उस पासपोर्ट के लिए हम अपनी सारी ज़िंदगी वहाँ गुजार देते हैं, ना कीमती वक्त जो हमारे पेरेंट्स को हमें चाहिए होता है, भाई बहनों को चाहिए होता है, वो हमारा वहाँ वक्त गुजर जाता है, और उस असना में ये पेरेंट्स हमारे चले जाते हैं। तो हम इसी पासपोर्ट के लिए, इसी वहाँ पर सेटल होने के लिए ये हम कोशिश करते हैं। वो मैंने डिस्क्राइब किया कि इसमें हम वो जो पासपोर्ट गिरा है वही मेरी उसका गाने का निचोड़। तो इन नटशेल आप 18 साल से अमेरिका में रहते हैं, एलए में आप रहते हैं, और आप बीच में दो बार पाकिस्तान आए, तो दो बार आपकी वालदा से मुलाकात हुई। जी बिल्कुल। और उस वक्त जब वो बीमार थी किस तरह उनकी एक दफ़ा जब मैं आया तो वो इतनी बीमार नहीं थी, उनसे बहुत अच्छा मेरा टाइम गुजर, जब दूसरी दफ़ा आया तो बहुत ज़्यादा बीमार थी वो। लेकिन जब वो फाइनली शी डाइड तो तब आप उधर नहीं थे? मैं उधर नहीं था। आप आ भी नहीं सके थे उसके बाद? मैं आ नहीं सका था, वही मजबूरी वही तो मुझे इस गाने में मैंने कि जो मेरे दिल में एक कसक थी जो रह गई थी वो मुझे निकालनी। आपकी ये स्टोरी है, लेकिन आप उधर बहुत लोगों से मिलते होंगे, कितनों की यही स्टोरी होती है? काफी लोग नहीं आ सकते। एक्चुअली हर दूसरे घर की यही कहानी है, हर दूसरे घर की ये कहानी है कि लोग जा नहीं सकते। मेरे दोस्त की अभी हाल ही में वालदा की डेथ हुई, बेचारा वो नहीं जा सका बिकॉज के लीगलाइज प्रॉब्लम है उनको, किसी के पास ग्रीन कार्ड नहीं है, कोई बिजनेस में फंसा हुआ है, कोई किसी तरह फंसा हुआ है। और फिर अक्सर हमें यह होता है कि पता लगता है कि रात को कोई कॉल आती है और कहते हैं कि यार अम्मी की तबीयत ख़राब है, घर से फ़ोन आता है, तो उसके बाद सुबह फ़ोन आता है कि हौसला रखना, हौसला रखो, वो चली गई हैं मैं छोड़ के। अब फिर मैं कहना हम लोग आ रहे हैं, नहीं हम जोहर में दफना देंगे उनको, क्योंकि हमारे यहाँ बॉडी को रखा नहीं जाता, 24 आवर्स की फ़्लाइट करके हम लोगों को आना पड़ता है। और लीगल बाइंडिंग्स भी बहुत सारी होती हैं, लोग फंसे होते हैं कि नहीं फंसे होते, बिल्कुल फंसे होते हैं, बहुत लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होते। एक दफा फिर मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ये ट्रिब्यूट जो है ये मुशी ने गाया है, लेकिन लिखा उनकी बहन ने है, मेरी बहन, तो लिहाजा उनकी बहन जो लिखती भी रहती हैं, तो उन्होंने बड़े खूबसूरत वर्ड्स लिखे हैं, और खासतौर पर क्योंकि भाई बहन की कोलैबोरेशन ही आप समझें कि दोनों ने मिलकर ये किया है। और इस गाने का नाम है, ये ऑनलाइन भी होगा? जी ऑनलाइन है, ये यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, किस टाइटल से? ये मुशी खान के नाम से पेज है मेरा, और मेरी माँ के यूट्यूब पे अगर आप सर्च करें मेरी माँ के नाम से। जबरदस्त लाइफ स्टोरी है, उसमें बहुत कहानी, और बहुत ज्यादा पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं उनकी कहानी है। मुशी खान बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और आपने ये कहानी शेयर भी किया, और आपका जबरदस्त गाना है जो कि हम चाहेंगे लोग जरूर देखें।